हाँ जी भाई लोग पूछते हैं पुलिस वाला हूँ करके माँ बाप को याद करना और दिन भर चलते फिरते काम करते देर भी याद करना दोनों में तो अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है, डॉक्टर लोग भी बताते हैं सवेरे को सूर्य किरणें लेने से ज्यादा फायदा है या दोपहर और शाम को सूर्य किरणें लेने से ज्यादा फायदा है, है? क्यों हम सारा दिन लेते रहेंगे? क्योंकि अमृत बेले अमृत बरसता है, हद के अमृत बेले में भी अमृत बरसता है और बेहद का जो संगम युग अमृत बेला है जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाला होता है उस समय अमृत बरसता है। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको अनुभव होगा कि अमृत बेले याद की पुरुषार्थ करने से कितना फायदा होता है। एक तो आत्म की स्थिति का फाउंडेशन पक्का हो जाता है, सारा दिन ना चाहते हुए भी याद आती रहेगी। दूसरी बात, अमृत बेले याद करेंगे तो सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलेगा, दुनिया भी विचार कम आवेंगे। अमृत वेले बहुत थोड़ी आत्माएं पुरुषार्थ करती है क्योंकि दुनिया दिन प्रतिदिन विकारी बनती जा रही है। विकारी बनने के कारण सारे संसार में विकारी वातावरण फैलता है। वो वातावरण हमको उन्माद पैदा कर देता है। ऐसे उन्माद के टाइम पर जो मुट्ठी भर बच्चे अमृत वेला करने की हिम्मत करते हैं वो वायुमंडल को सुधारते हैं और वायुमंडल को सुधारने की सेवा सिर्फ मनसा के द्वारा हो सकती है। सारा दिन भाग दौड़ करेंगे, वाचा से ज्ञान सुनाएंगे, वो तो हम अभी तक 70 साल से करते चले आए। दुनिया की कितने % आत्माओं को हमने संदेश दिया? ना के बराबर। तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है अमृत बेला मनसा पावर बढ़ाने की। ये मनसा हमारी जितनी पावरफुल होती जाएगी, विनाश के टाइम पर ये मनसा की पावर ही काम आवेगी। वाचा काम आने वाली नहीं है, भाग दौड़ की सेवा काम आने वाली नहीं है। मनसा की सेवा से ही, वाइब्रेशन के परिवर्तन से ही हम दुनिया को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक आवाज फैलेगा। और प्रकृति के 5 तत्व भी तुम्हारी वाचा को नहीं सुनेंगे। 5 प्रकृति के तत्वों का संघात जो प्रैक्टिकल जगदम्बा है और जगदम्बा की जो भुजाएं हैं या कहो महाकाली की भुजाएं हैं वो तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनने वाली है।
ऐसे परिवर्तन होंगी, मनसा से ही उनका परिवर्तन होगा। जब आप वायुमंडल को चेंज करेंगे तो वो भी चेंज में आएंगे। और बाबा ने बोला है, जब तक प्रकृति का परिवर्तन नहीं किया है, प्रकृति के पांच तत्व तो तमो प्रधान बने हुए हैं, भूकंप आदि ला रहे हैं, तब तक नई दुनिया नहीं कही जाएगी। प्रकृति के पांच तत्वों को, प्रकृति को जब तक सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक स्वर्ग नहीं आ सकता। तो अमृत वेले की याद बहुत बड़ा महत्व रखती है। और जब भगवान में सेवा करते हैं, और पांडव भगवान में भी सेवा करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? पांडव भवन में संग होगा पांडवों का, और मधुबन में पांडव और शक्तियों दोनों का साथ है, दोनों के वाइब्रेशन हैं। पांडव भवन अभी तक कोई सरसब्ज नहीं हो पाया, बनते रहे और बिगड़ते रहे, और बहुत अल्प संख्या में बने हैं, क्योंकि आपस में लड़ पड़ते हैं। जैसे कि कोई धनी डोरी ही नहीं, पांडव स्वतंत्र होते हैं। शक्तियां सरेंडर हो जाती हैं, स्वतंत्र नहीं है, उन्हें ईश्वरीय डायरेक्शन पर ही चलना है। इसलिए अंतर पड़ जाता है। हाँ, पांडव अगर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, उनमें भी खास कुमार जिनको वरदान मिला हुआ है, कि कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, ये वरदान शक्तियों को नहीं मिला हुआ है, कन्याओं माताओं को नहीं मिला हुआ है, और अधर कुमार अगर पवित्र रहते हैं ज्ञान में आने के बाद, तो वो भी तो कुमार हैं। जब माताओं के लिए कहा है कि माताओं को कुमारी बना देता हूं, तो आदर कुमार कुमार नहीं बन जाते? इसलिए अंतर तो जरूर है। बाकी जो जितनी हिम्मत करेगा तो बाप से मदद भी जरूर मिलती है, और उतनी खुशी का अनुभव भी करते हैं, क्योंकि पांडव भवन बनाया ही जाता है शक्तियों की सुरक्षा के लिए। पांडव भवन ऐसे है जैसे मिलिट्री की बैरक, तो बैरक में सिपाही किस लिए रहते हैं? भारत माता शिव शक्ति की सुरक्षा के लिए रहते हैं।
उनकी है स्थूल सेना और हमारी है बेहद की सेना। नई दुनिया बनेगी तो पहले एक पारिवारिक इकाई बनेगी या ढेर के ढेर परिवार इकट्ठे बन जाएंगे? एक पारिवारिक इकाई तैयार होनी चाहिए। और उसके लिए चाहिए प्योरिटी। प्योरिटी होगी तो यूनिटी का संगठन बनेगा। और अष्टदेव ही यूनिटी बनाएंगे। जिनमें डिफेक्ट है वो यूनिटी को तोड़ते हैं या जोड़ते हैं? है वो तो तोड़ने वाले हैं, इसलिए धर्मराज की सजाएं खा जाते हैं। अष्टदेव ही हैं जो जब से ज्ञान में आते हैं तब से बाप के दैवी परिवार को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भगाने की कोशिश करते हैं, कोई थमाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हाथ तो जरूर चाहिए और उनकी प्रत्यक्षता नहीं होगी तो फिर यूनिटी का पता कैसे चलेगा? संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ही प्रत्यक्ष होती है। पता चलता है ये बहुत शक्तिशाली है। जैसे 200 साल पहले सारी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला था, सारी दुनिया में मुसलमानों का राज्य फैला हुआ था। अभी 200 साल के अंदर कौन सा संगठन पावरफुल हो गया? क्रिश्चियंस का संगठन पावरफुल हो गया। उसमें भी नास्तिकों का संगठन पावरफुल हो गया या जो आस्तिक क्रिश्चियंस हैं उनका संगठन पावरफुल हो गया? आस्तिकों का पावरफुल हो गया। और अव्यक्त बाप दादा ने तो बता ही दिए कि अभी 8 जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। त्रिदेव की तरह प्रत्यक्षता नहीं होगी। जो एक एक की प्रत्यक्षता के लिए 20 साल लग जाए। क्या बोला? गुम्मा की पाकी उम्र से पूजा पिता का उत्पत्ति। पैर की अंगुली से है, गुम्मा की पैर की अंगुली से पूजा पिता का उत्पत्ति। पैर की अंगुली से। अरे पतितम कामी कांटे में मैं प्रवेश करता हूँ या ऊंचते ऊंच में प्रवेश करता हूँ?
तो नीचे पे नीचे अंग कौन सा होता है? पांव ही होता है। और पांव में भी जो आगे की उंगलियां हैं उनमें अंगूठा ही सबसे मुख्य है। और बराक ओबामा हाँ कर गए यहाँ से कर क्या भारत पर अपना कंट्रोल कर पाएंगे क्या हुआ वो? भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। इराक वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सोने की चिड़िया गाये हुए नहीं है। ये ऐसी सोने की चिड़िया है किसी के हाथ आने वाली नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले। शिव बाबा ने जितने प्रवेश करता है उसका नाम कुंभ कहता है। दादा लेकर ने कौन प्रवेश किया, बाप या बाबा? बाप ने प्रवेश किया लेकिन नाम रखा ब्रह्मा। दो बाप ने जितने प्रवेश करते उसका नाम होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा में कौन प्रवेश किया, बाप या बाबा? प्रवेश करने वाली आत्मा है या साकार है? है आत्मा है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। मेरी आत्मा सिर्फ आत्मा है, शरीर के साथ हूँ तब बाबा कहा जाता है। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो सही अर्थों में अगर बोलेंगे तो आत्माओं के बाप ने प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? ब्रह्मा में। हाँ जो जीवन का जो सीढ़ियाँ है वो आका बाका क्यों है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे सीढ़ी भी टेढ़ी होती जाती है और चौड़ी होती जाती है, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती है और भाव स्वभाव संस्कार टेढ़े मेढ़े होते जाते हैं या सीधे रहते हैं, और ही टेढ़े मेढ़े होते जाते हैं। हाँ और आगे बाबा हुंडी माने हुंडी हुंडी भरना माने धन संपत्ति से भरपूर करना। और आप बोला है ना जो बाप कहते हैं लानी बनाते हैं, लानी बनाते हैं बाप कहते हैं लानी बनाते हैं, उन्हें की बनाने नहीं के लिए आया है। ला तुम बच्चे ला बनाते हो कि बाप ला बनाते हैं? बाप बनाते हैं। बाप कहते ला नहीं बनाते हैं बच्चा को। दुनिया के जो कायदे कानून हैं वो बनाने वाला कौन है? विधाता कहा जाता है।
विधाता माने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जैसे विधाता है हम भी विधाता हैं, हर आत्मा विधाता है, हर आत्मा कायदे कानून बनाने वाली है। अभी के कायदे कानून 5000 वर्ष तक चलेंगे, अच्छे भी बनाए रहे हैं बुरे भी बनाए रहे हैं। याद और पुरुषार्थ एक ही चीज है क्या? याद और पुरुष माने आत्मा, पुरी कहते हैं शरीर को, शरीर रूपी पुरी, और शरीर रूपी पुरी में शा, शा माने शेते आराम सोने वाला, शरीर रूपी पुरी में जो रहने वाला है आराम करने वाला है उसका नाम है पुरुष अर्थात आत्मा। अब आत्मा के लिए जो किया जाए, आत्मा के अर्थ किया जाए, क्या आत्मा के अर्थ किया जाए, अर्थ माने लिए, इसके लिए किया जाए, आत्मा के अर्थ किया जाए वो पुरुषार्थ, और देह के अर्थ किया जाए वो स्वार्थ है, पुरुषार्थ नहीं है। देह के लिए जो करेंगे वो एक जन्म काम आएगा, और आत्मा के लिए जो करेंगे वो जन्म जाई जन्म काम आएगा। तो असली पुरुषार्थ बाबा कराते हैं, जो जन्म जाई जन्म काम आता रहेगा। बाबा बहुत है, बहुत बड़ा संगठन बना लिया है। क्या धर्म गुरुओं ने बड़े बड़े संगठन बनाए? अगर ईश्वरीय ज्ञान को समझेंगे, उनके फॉलोअर्स जो भक्त हैं, गुरुओं के भक्त नहीं है, उनमें अच्छे भक्त नहीं है, तो जो अच्छे अच्छे भक्त हैं बाप के ज्ञान को समझेंगे और फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं स्वर्ग में आवेंगे। यहाँ भी तो ब्रह्मा बाबा क्या कहने लग पड़े, कहने नहीं लग पड़े, लेकिन अंदर से समझते तो थे, आत्मा सो परमात्मा, मैं गीता का भगवान हूँ, गीता का साकार भगवान। उन्होंने किसको समझा है? अपने को ही समझा, तो आत्मा सो परमात्मा नहीं हो गई? तो दुनिया का बड़े से बड़ा आत्मा सो परमात्मा कहने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा ही हो गया। हाँ बाबा, शिव बाप तो एक व्यक्ति को पुरुष करता है, है? शिव बाप एक व्यक्ति को पुरुष करता है, एक एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बाप के रूप में। हाँ अम्मा में पुरुष करता है, अम्मा के रूप में। हाँ बाबा, हाँ जैसे बोरिया नाम है ना, तो इसका ब्याज में क्या अर्थ है? गड़िया जिसको गढ़ा जाए सो गड़िया। प्रश्न आया है, ये ब्रह्मा पुरानी जूती है, भारत में एक जूती चली जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अब नई जूती लेते हैं। ऐसे करते करते चार चार शादियां भी कर लेते हैं, तो इशारा दिया ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है, इसका मतलब ये जूती भी चेंज करनी है।
तो ब्रह्मा पुरुष तन है या स्त्री चोला है? है पुरुष तन है, तो पुरुष तन होने के कारण उसको जूता कहेंगे कि जूती कहेंगे? है लांग बूट कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जब स्त्री चोला धारण करे तो जूती कही जाए, और बाप प्रजापिता का जो पार्ट है वो मुकर्रर रथ तो एक ही है, बाकी आधार बदलते रहते हैं। आखिरी जूती का नाम क्या है फिर? अरे उस हिसाब से आखिरी जूती का नाम क्या हुआ? अरे लास्ट में जाके प्रजापिता क्या बन जाएगा? नारायण। तो नारायण के साथ बुद्ध रूपी पांव में आराम देने वाली जो होगी उसका नाम क्या होगा? है लक्ष्मी। बीच में दो और हैं, उनके नाम क्या हैं? है अरे एक का तो नाम बताओ, दो मत बताओ। जगदम्बा और है ओमरादे। ओमरादे ब्रह्मा की बेटी कह रहे या कि पत्नी कह रहे? शिव बाबा की भाषा से तुम्हारी भाषा बदल जाएगी क्या? ये तो दुनिया वालों की भाषा है क्या? ये सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है। हम ब्राह्मणों की भाषा क्या कहती है? हैं? ब्रह्मा की बेटी है, पत्नी नहीं है। और यज्ञ के आदि में आदि देवी नहीं थी? अरे थी कि नहीं थी? थी। और इनका प्रश्न था पुरुषार्थ और याद है, पुरुषार्थ और याद दोनों अंतर है या कि एक ही है? त्याग भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या के लिए आए? त्याग भी पुरुषार्थ है। दूसरों के लिए त्याग किया तो ये भी आत्मा के अर्थ किया, आत्मा के कल्याण के अर्थ हुआ। ये भावना की बात है। कोई कोई त्याग करते हैं स्वार्थ के लिए, कोई त्याग करते हैं परमार्थ के लिए। कोई ने अपने को खत्म कर दिया, खुदकशी कर ली। अंदर भावना ये है कि ये सारे परिवार वाले परेशान हो जाएं। तो भाव प्रधान विश्व रचिरा था। या अच्छाई के लिए शरीर छोड़ा या बुराई के लिए शरीर छोड़ा? बुराई के लिए छोड़ा। तो वो बुरा पुरुषार्थ हुआ
या अच्छा हुआ पुरुषार्थ का उन्हें अर्थ ही नहीं मालूम है, इसलिए देह वाहन में आकर के कर लिया। बाबा एक माता का कहना है सूर्य जी का वासला मिला, भाई मतलब कम है, माता ज्यादा है, तो ये भाई लोग ज्ञान में चल नहीं रहे, तो माता कहती है कि मतलब माताओं की तो क्या कहते हैं महिमा है, फिर ये महिमा होगी कैसे, भाई आ ही नहीं रहे ज्ञान में। भाइयों के आने से महिमा होगी, ऐसा कोई नियम है? नहीं ऐसा नियम नहीं है, मतलब ये भाई लोग तो आ ही नहीं रहे, कब आएंगे? अरे कुछ आते हैं ना, आते फिर आना ही बंद कर देता है थोड़ा दिन ज्ञान में चल के। तो ये कोई नई बात थोड़ी ही है, कोई भी सेंटर में चले जाओ, बेसिक में चले जाओ, एडवांस में चले जाओ, कोई भी गीता पाठशाला में चले जाओ, कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा मिलेगी या भाइयों की संख्या ज्यादा मिलेगी? कन्या माताओं की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब स्वर्ग स्थापन ही नहीं होगा है? जब तक बराबर नहीं होंगे, ऐसा कोई नियम थोड़े ही है। बाबा बीमार निकले है ना बाबा, गुस्सा गुस्सा जो बीमार निकले है ना, तो उससे हर मनुष्य बीमार ये आने से एकदम दो सेकंड में मर जा रहे हैं, पानी में डालने से दो घंटा पानी में रहने से सब ठीक हो जाते, उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है वो डॉक्टरों से पूछो जाके, हमसे क्यों पूछते? तो दूसरे डॉक्टरों से पूछ। इसकी याद इसकी पहचान क्या होगी? जो तीखी याद होगी वो लगातार होगी, और जो तीखी याद में रहने वाला होगा उसके नजदीक जाने से दूसरे को वाइब्रेशन लग जाएगा। जैसे शास्त्रों में दिखाया कि पार्वती ने इतनी तीखी याद की कि असुरों का जो दरबार था वहां तक आग पहुंच गई, उस अग्नि की ज्वाला वहां भी काम करने लग पड़ती है, दूर दूर से आत्माएं खींच करके उसके पास आने लगेंगी। क्या बोला? आवाज नहीं आई यहां तक, पंखा बंद कर दो। प्रवेश नहीं कर सकती? प्रवेश करना कोई साधारण बात है क्या? तीखी याद वाला ही कर सकेगा या साधारण याद वाला कर सकेगा? साधारण याद वाला प्रवेश नहीं कर सकता। क्लियर नहीं, क्लियर नहीं। अरे अंत समय में जब बच्चों की याद तीखी होगी तो वो तीखी याद वाले बच्चे ही उन एटम बम बनाने वालों में जिनके पास उनकी चाबी है उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाएंगे और विनाश कराए देंगे। साधारण याद करने वालों में ये ताकत नहीं होगी, अभी तो याद की रेगड़ियां पहन रहे हैं। साधारण याद ही कहेंगे।
बीज रूप स्टेज को ही याद कहेंगे, असली याद है बीज रूप स्टेज, फिर मध्य में याद है, बीच बीच में मनन चिंतन मंथन भी चलता जाता है और याद भी आती रहती है। साधारण याद है, घड़ी घड़ी याद टूट जाती है। शीत संकट स्वर्ग गेट खुलेंगे और माता गुरु गेट खुलेंगे, ये दोनों जो गेट खुलेंगे हम तो क्या है, साकार दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? अरे यही की बात है, स्वर्ग की बात नहीं है, स्वर्ग में ये चोले नहीं जावेंगे जो बैठे हुए हैं। बर्फ से निकले हुए सतोप्रधान चोले जावेंगे और उनको तो कुछ स्मृति भी नहीं होगी। शांति धाम के गेट कोई परम धाम वहां की बात नहीं है जहां बिंदु बिंदु आत्माएं रही पड़ी है। इस साकारी दुनिया के अंदर परम धाम की बात है, जो माउंट आबू में संगठन तैयार होगा निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्माओं का। वो गेट भी खुलेगा, विजयमाला में पिरोए जाने वाले रुद्रमाला के मणके और विजयमाला के मणके दोनों साथ साथ काम करेंगे। सुखधाम का भी गेट खोलेगा तो शांति धाम का भी गेट खोलेगा। बाबा ने कहा आगे चल करके ऐसी दृष्टि देंगे जो सहन नहीं कर सकेंगे। प्यार की दृष्टि सहन करना सहन करने की बात होती है या क्रोध की दृष्टि न सहन करने की बात होती है? जो क्रोध की दृष्टि होगी वो बच्चों को सहन नहीं होगी, और प्यार की दृष्टि के लिए तो बोला है मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, आंखों पर बिठा के ले जाऊंगा कि मतलब ये नहीं है कि पांव रख कर के खड़े हो जाएंगे आंखों पर। बाबा प्यार की दृष्टि से आत्माओं को आकर्षित करके वो ले जाएंगे, ऑटोमेटिक उनकी अवस्था बन जाएगी। बबर से शक्तिशाली होता है लेकिन भोला भाला होता है, और टाइगर चालाक होता है, बुद्धिमान भी होता है। परंतु अशोक की लाट में बब्बर शेर के तीन सिर दिखाए गए, ऐसा क्यों है? ये अशोक की लाट कब बनाई गई? है अशोक की लाट कब बनाई गई थी? जब अशोक का शासन था, ईसवी पूर्व की बात है।
ब्रह्मा वाली आत्मा है वो ही सूक्ष्म शरीर धारण करके सारा कार्य कराती है, जिसे हनुमान कहा जाता है। वही बब्बर शेर है। लेकिन समझने की बात है, समझने में देरी होती है, इसलिए जैसे ब्रह्मा को चतुरानन कहा जाता है, दूसरे जितने भी धर्म हैं वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं या बाप को फॉलो करने वाले हैं? अशोक कौन से धर्म की बात है? बौद्ध धर्म की बात है, वो भी ब्रह्मा को ही मानने वाले हैं। इसलिए चतुरानन ब्रह्मा के ही चार शेर के रूप में लाट बनाई हुई है। इसलिए आज भी नोटों पर, झंडे पर और जो सरकारी स्टाम्प होते हैं उनमें भी वो शेर ही दिखाई जाते हैं। वास्तव में हमारा नेशनल पशु तो शेर नहीं है, टाइगर है। जैसे राष्ट्रीय चिड़िया मयूर है, बाज नहीं है। कोई कोई शहरों में, कोई कोई देशों में बाज भी निशानी दिखाई गई है झंडे में। सारी बातों के रहस्य आगे चल करके खोलेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, क्योंकि गर्मी का प्रभाव कम होता है। और यहां विषुवत रेखा के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ दुनिया की आबादी ज्यादा है, ज्यादा जीवन पनपता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और निश्चित दूरी पर पड़ती हैं, और ग्रह उपग्रह कोई बहुत दूर है, कोई बहुत नजदीक है, इसलिए वहां जीवन नहीं है। ऐसे ही बेहद की दुनिया में भी है, बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में ही जीवन पनपता है, वो ही जीवित रहेंगे और बाकी सब क्या होगा, खलास हो जाएंगे। बीच में बात अधूरी रह गई, कोई प्रश्न पूछने लगा था। प्रश्न आया है, आखिरी ज्योति लक्ष्मी है, बीच में जगदम्बा है, तो ये योगिनी माँ क्या है? अरे वो भी काशीनाथ गाया हुआ है ना, क्या गाया हुआ है?
काशी नगरी काशी नाथ गाई हुई है। काशी नगरी किसकी रचना है? अरे पुरुष की रचना स्त्री होती है ना, तो काशी नगरी भी रचना है रचयिता की। और काशी नगरी है बाबा सब बेहद की बातें करते हैं, हद की करते हैं। हाँ जगदम्बा में और प्रकृति जगत को धारण करने वाली जगधात्री, जो जगत को धारण करती है। जगत को कौन धारण करने वाली है? है? अरे सारा जगत किस पर टिका हुआ है? पृथ्वी पर टिका हुआ है ना। जो भी जगत है, जगने वाले हैं, जो आत्मा चैतन्य है, वो काय पर टिकी हुई है, पृथ्वी पर टिकी हुई है। पृथ्वी माने धरणी, धरणी पार्ट किसका है? जगदम्बा का। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सीरियल में जो तीन लोक दिखाए हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, वो बाहर की दुनिया में कैसे हैं? पाताल लोक सबसे नीचे का है ना, सबसे बाद वाला है पाताल लोक, और सबसे पहले वाला है ऊपर स्वर्ग लोक, और मीडियम है पृथ्वी लोक, जहां सुख भी है और दुख भी है। तो बताओ इस पृथ्वी पर पृथ्वी लोक असली कौन सा है? जो पृथ्व्याति बढ़ता ही जाता है, है? अरे भारतवर्षी ही तो है। पहले पहले क्या था? भारत ही तो था। द्वापर युग से फिर फैलना शुरू हुआ, वो पृथ्वी हो गई। उस पृथ्वी में सबसे लास्ट में कौन सा लोक बना, कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के एकदम दक्षिण भाग में कौन सा लोक है? ऑस्ट्रेलिया तो है। और हाँ भाग जाओ ना। चलो बहुत दूर जाना अभी।